हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आई रिवीजन दिस चैप्टर, ओके। क्लास वन, सब्जेक्ट ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस, ओके। बच्चों, ये क्या है? आपकी साइंस की बुक है और चैप्टर नंबर कितना है? 5 है और चैप्टर नेम माई फैमिली। क्या है बच्चों? माई फैमिली, समझ गए बच्चों? इस चैप्टर का मैं रिवीजन करा रही हूँ, इस चैप्टर को मैं फिर से दोबारा पढ़ा रही हूँ, इसलिए आप लोग को, आप सभी को कहीं पर यदि कोई कंफ्यूजन हो तो उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, ठीक ना? जहाँ पर देखिए कैसे मैं पढ़ा रही हूँ, जो चीज आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ये पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, इसे आप अच्छी तरह समझें। सबसे पहले तो बच्चों, आप अपनी बुक पेज नंबर 26 चैप्टर 5 निकालिए, ओके। नाउ स्टार्ट दिस लेसन। दिस इज माई फादर, ये कौन है? ये मेरे पापा हैं। दिस इज माई फादर, कौन है? ये मेरे पापा हैं। हिज नेम इज, उनका नाम है। तो बच्चों, आपको इसमें क्या करना है? अपने पापा का, यहाँ अपने पापा का आपको नाम लिखना है। आप अपने पापा से हेल्प ले सकते हैं इसके लिए, ठीक ना? क्या करना है इसमें? आपको अपने पापा का नाम लिखना है। दिस इज माई फादर, कहते ये मेरे पापा हैं, उनका नाम है। तो उनका क्या नाम है ये तो आप ही को पता होगा। तो आप यहाँ पर इस ब्लैंक्स को अपने बुक में भर लेंगे, है ना? समझ गए बच्चों? उसके बाद ही वर्क्स इन, वो काम कहाँ करते हैं बच्चों? ऑफिस में करते हैं या कोई फील्ड में काम करते हैं? तो आपको यहाँ लिखना है। तो बच्चों, इतना तो समझ में आ गया है कि दिस इज माई फादर, हिज नेम इज, इतना में आपको क्या करना है? अपने पापा का नाम लिखना है। इतना आ गया समझ में? देन ही वर्क्स इन, आपके पापा क्या करते हैं? जो आपके पापा जो काम करते हैं, या टीचर हैं, या बैंक में हैं, या मेडिसिन चला का दुकान है, या कुछ भी है, तो वो आप इसमें लिखेंगे, है ना? उसके बाद है This is my mother. ये कौन है? मेरी माँ है, मेरी मम्मी है। तो her name is, उनका नाम है। तो आपकी मम्मी का क्या नाम है बच्चों? वो आपको इसमें, इस ब्लैंक्स में, खाली जगह में भरना है। इसमें भी आप अपने मम्मी या पापा का हेल्प लीजिएगा और अच्छे से सुंदर अक्षरों में यहाँ पर पापा का नाम, हाँ, यहाँ पर काम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी प्यारी मम्मी का नाम लिख लीजिएगा, है ना बच्चों? सबको तो पता होगा, नहीं तो आप अपनी मम्मी से पूछ के लिखिएगा, है ना? इसमें अच्छे से अपनी मम्मी का नाम लिखना है। अब क्या है? सी वर्क्स इन, वो कहाँ काम करती है? वो या टीचर है, या क्या कहते हैं, कोई काम करती हैं, या हाउसवाइफ हैं, घर में ही काम करती हैं, आप लोग के लिए अच्छे अच्छे खाना बनाती है, आप लोग का सारा काम करती है, है ना? आपका सारा मेंटेनेंस करती है, तो ये काम भी तो बहुत बड़ा काम है। तो आप इसमें अगर बाहर कहीं नहीं करती है तो लिखिएगा सी वर्क्स इन हाउस, ओके। वो घर में ही काम करती है, ये तो हो गया बच्चों। उसके बाद द
दिस इज माई सिस्टर ब्रदर। कहते हैं यदि आपके भाई हैं या बहन हैं तो दिस इज माई सिस्टर ब्रदर। हाँ, आपके यदि भाई हैं तो लिखिए, कहिए दिस इज माई ब्रदर। अगर सिस्टर हैं तो दिस इज माई सिस्टर। तो बच्चों, अगर भाई हैं तो हिज नेम इज, तो यहाँ पर अपने आप भैया का नाम लिखिएगा या छोटे भाई का नाम लिखिएगा। अगर दीदी है या छोटी बहन है तो हर नेम इज, तो यहाँ पर ये अपनी बहन का नाम लिखिएगा। उसके बाद देखिए, सी ही इज इन क्लास, तो आपके भाई या बहन किस क्लास में पढ़ती है आपको यहाँ लिखना होगा। इसमें भी आप अपने पापा या मम्मी से हेल्प लेंगे, है ना? अपने पापा या मम्मी से इसमें भी आप हेल्प लेंगे और अच्छी तरह से लिखेंगे। ओके चिल्ड्रेन, इतना तो समझ में आ गया, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है कि दिस इज माई ग्रैंडफादर, ये कौन है? मेरे दादाजी हैं। हाँ, ये कौन है बच्चों? दिस इज माई ग्रैंडफादर। कैसे पढ़ेंगे? दिस इज माई ग्रैंडफादर, ये मेरे दादाजी हैं। हिज नेम इज, बच्चों आपके दादाजी का क्या नाम है? जो नाम होगा वही आप यहाँ लिखेंगे, है ना? जो भी आपके दादाजी का नाम होगा वही इसमें आप लिखेंगे। अपने मम्मी से हेल्प लीजिएगा या पापा से या दीदी से या भैया से, किसी से भी हेल्प लेकर के इसमें इसको आपको फील करना है, ठीक ना? उसके बाद क्या है बच्चों? दिस इज माई ग्रैंड मदर, ये कौन है? मेरी, ये मेरी दादी माँ है ना बच्चों? क्या है? दिस इज माई ग्रैंड मदर, ये कौन है? ये मारी दादी माँ है। हाँ, हर नेम इज, उनका नाम है। अब दादी माँ का क्या नाम है आपकी दादी माँ का बच्चों? आपकी दादी माँ का नाम यदि पता नहीं होगा तो आप अपने पापा से पूछिएगा, है ना? पापा से पूछिएगा कि पापा मेरी दादी माँ का क्या नाम है, तो आपको आपके पापा बता देंगे कि क्या नाम है। वो आप या पापा से पूछ के यहाँ अच्छे से इसमें फिल कर लीजिएगा। वी आर, आप जितने भी मेंबर हैं उसमें ये लिखना है, 4, 5, 6 जो भी है उसमें आपको ये लिखना है, मेंबर्स इन आवर फैमिली। कहते हैं हम लोग कितने सदस्य हैं अपने फैमिली में, 4, 5, 6 जो भी है, मेंबर्स इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में इतने मेंबर हैं। आई लव माई फैमिली मेंबर्स, मैं अपने, क्या है बच्चों? आई लव माई फैमिली मेंबर्स, मैं अपने परिवार के सदस्यों से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, a small family has only 3 or 4 members, बच्चों एक छोटी फैमिली में 3 या 4 members ही होते हैं, मतलब 3 या 4 एक छोटे परिवार में बच्चों 3 या 4 member सदस्यों की संख्या होती है। and a big family has many member, और बड़े फैमिली में बहुत सारे सदस्य होते हैं, ठीक ना? जैसे कि उसके बाबा, दादी, चाचा, चाची, हाँ, कजन, ब्रदर, सिस्टर, एक्स्ट्रा, ओके? ये सब
मिला के हमारे ये बड़े फैमिली हो जाते हैं। तो आपका परिवार छोटा है या बड़ा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आप अपने मेंबर परिवार के मेंबर का नाम तो संख्या तो लिखेंगे ही, और ये समझ में आ गया, आई लव माय फैमिली मेंबर। ए स्मॉल फैमिली हैज ओनली 3 or 4 मेंबर्स, ए बिग फैमिली हैज मेनी मेंबर्स। बच्चों, बड़े परिवार में 3-4 से ज्यादा मेंबर होते हैं, और स्मॉल फैमिली में 3 या 4 के संख्या में मेंबर रहते हैं। ओके, बाय, सी यू, एंड आई टीच अगेन इट नेक्स्ट वीडियो। ओके चिल्ड्रन।